प्रयागराज से दिल्ली के लिए ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इलाहाबाद जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में अब 4 स्लीपर कोच भी जोड़े जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही ट्रेन की गति भी बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा भी कर दी गई है। 13 सितंबर से दुरंतो एक्सप्रेस को बंद करके शुरू की जा रही है हमसफर एक्सप्रेस से मुसाफिरों को यह सहूलियत मिल रही है। हमसफर एक्सप्रेस में अब तक AC 3 कोच ही लगे हुए थे। इससे कम किराए वाले स्लीपर दर्जे में दिल्ली तक सफ़र करने वालों को ये ट्रेन रास नहीं आ रही थी, जिसको देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे के GM राजीव चौधरी ने हमसफर एक्सप्रेस में स्लीपर कोच को जोड़ने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा, जिसके बाद इसको मंजूरी मिल गई। उत्तर मध्य रेलवे के CPRO अजीत सिंह ने बताया कि 13 सितंबर से हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रोजाना चलेगी। हफ्ते में 4 दिन जंक्शन से दिल्ली और 3 दिन आनंद विहार के लिए चलेगी। हमसफर एक्सप्रेस में 4 स्लीपर कोच जोड़ने से ट्रेन कुल 22 कोच की होगी, जबकि 4 स्लीपर कोच बढ़ाने के बाद 320 यात्रियों को इस ट्रेन में स्लीपर का सफर मिलने लगेगा। देखिए, ये भारतीय रेलवे में पहली बार हुआ है कि जब हमसफर एक्सप्रेस में 4 स्लीपर कोचेस लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज वासियों की एक मांग थी, दुरंतो के बदले में 13 तारीख से हमसफर एक्सप्रेस चलाई जा रही थी, तो चूंकि हमसफर एक्सप्रेस पूरी तरह से AC रेक रहती है, तो इसमें ये आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा डिमांड था कि इसमें स्लीपर कोचेस लगाए जाए। आप सबके सहयोग से प्रयागराज वासियों की जो एक डिमांड थी और हमारे महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी ने उसके लिए बहुत सार्थक प्रयास किए, उसी का नतीजा है कि रेलवे बोर्ड ने पहली बार हिस्ट्री में, मतलब पहली बार इसको अलाउ किया है। और इसमें अब 4 स्लीपर कोच रहेंगे, 16 थर्ड AC कोच रहेंगे और 2 पावर कार रहेंगी। तो जहां तक सुविधाओं की बात है, तो देखिए दुरंतो के मुकाबले इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि पूर्णतया LHB कोच है। दुरंतो आपका हाइब्रिड था, तो उसमें जो आपका राइडिंग कम्फर्ट होता है और जो उसकी सुरक्षा होती है, वो दोनों अपग्रेडेड है। दुरंतो 120 पे चलती थी, ये गाड़ी आपका 130 KMPH पे चलेगी, तो अपने गंतव्य पे पहले पहुंचेगी। और जहां तक हमसफर के AC कोचेस हैं, वो नॉर्मल LHB के AC कोचेस से उसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं वो अपग्रेडेड हैं। अभी स्लीपर कोचेस में चूंकि नॉर्मल LHB कोच लग रहे हैं, धीरे धीरे जब हमसफर के स्लीपर कोचेस लग जाएंगे तो उसमें भी वो सुविधाएं जनता को मिलेंगी। तो और सबसे बड़ी जो सुविधा ये है कि 320 आपके स्लीपर के पर डे बर्थ अवेलेबल हो गए हैं। और अब ये जो ट्रेन है वो 7 दिन है, तो एक दिन आपको फ्राइडे के दिन एक्स्ट्रा ट्रेन मिल रही है, तो लोगों की जो वेट लिस्ट वगैरह रहती है वो पूरा क्लियर हो जाएगा।